मेरा नाम विकास है। ये क्या हुआ आज सर? ये जो राहुल जी हैं, ये मेरे मास्टर जी हैं, ये खिदराबाद से आए हुए थे। मतलब आज इनका महिला थाने में फैसला होना था। जो सोनिया नाम की लेडीज़ है, उसने इनके खिलाफ कार्रवाई करवाई थी, तो आज फैसले में उस लेडीज़ ने इनसे 5 लाख की डिमांड रखी, तो इन्होंने जब पैसे देने से उनको मना कर दिया, तो इनके साथ कुछ पुलिस वालों ने और जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने मिलकर इनके साथ मार पिटाई की, और मार पिटाई के दौरान इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि उस टाइम में इनको महिला थाने से लेके आया यहाँ पे, तो यहाँ पे लाने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। तो सर सिर्फ हम इंसाफ चाहते हैं। जो उस लेडीज़ ने केस ये डाला था कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ किया और रेप करने की कोशिश किया, ये केस और लेडीज़ वो लेडीज़ किशनपुरा किया है, और किशनपुरा के लोग खुद ये बात कहते हैं कि वो लेडीज़ करेक्टरलेस है। तो कौन पुलिस वाले कौन थे, टॉर्चर किया जा रहा सर? एक तो खिदराबाद में जो थानेदार है लज्जाराम, उसके पास पहले एक केस गया था, उसने भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की। उस लेडीज़ के साथ थे सारे, वहाँ भी खिदराबाद में भी इनके साथ मार पिटाई हुई, उस टाइम भी इनको टॉर्चर किया गया, और आज भी इनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि वो खिदराबाद थाने का है, और इसमें एलिगेशंस हैं दो पक्षों के आपस में एक दूसरे के ऊपर हैं। महिलाओं ने एक दूसरे के पति के ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, जिसमें से कि एक मसला थाना खिजराबाद में और एक मसला यहाँ विमेन पुलिस स्टेशन में चल रहा था। तो आज दोनों पक्षों को बुलाया था, और दोनों पक्ष अपनी सहमति से यहाँ इकट्ठा होके समय लेके निकले थे, जिसमें से कि एक पक्ष की बाहर निकलने के बाद तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जो डिसीज्ड की पत्नी है उनको यहाँ लेके आई। यहाँ आने के बाद उनका डॉक्टर ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो मामला मिला। सर